हेलो फ्रेंड, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई रेसिपी लेके, जिसका नाम है पोटैटो स्माइली। तो फ्रेंड, इसके लिए देखते हैं क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो जैसे कि इसका नाम है पोटैटो स्माइली, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो इसके लिए मुझे पोटैटो चाहिए होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड, वो मैंने बॉईल कर लिए हैं, जो आधा किलो लिए थे मैंने, और इनको मैंने बॉईल कर लिया है और कद्दूकस कर लिया। आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने इनको बॉईल करके कद्दूकस करके रख लिया है। तो फ्रेंड, अब बारी आती है इसमें कुछ सामान ऐड करने की, देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। फ्रेंड, इसके लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ ये चावल का आटा। अगर आप चावल का आटा ना डालना चाहें तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। और फ्रेंड, मैं इसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ही डालूंगी और इसकी जगह पे मैं चावल का आटा थोड़ा ऐड कर दूंगी, जिससे हमारे पोटैटो स्माइली ना केवल क्रिस्पी हो जाते हैं बल्कि अच्छे भी बनते हैं। तो फ्रेंड, मैं इसमें 2 चम्मच चावल का आटा डाल दे रही हूँ। फ्रेंड, मैं ये आधा चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वादानुसार नमक डालें। ये बहुत थोड़ा सा गर्म मसाला, आप चाहें तो इसमें काली मिर्च पाउडर को भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड, मैं इसमें ये थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें डालें और नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, और आप इनको मिक्स कर देना है। अब फ्रेंड, मैं इसमें ये आधा चम्मच चावल का आटा और ऐड कर दे रही हूँ और इसको एक बार फिर से मिक्स कर रही हूँ। और फ्रेंड, अब इसमें मैं ये कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, जो 1 चम्मच है। इसको एक साथ नहीं डालना है फ्रेंड, इसको थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करना है। अभी फ्रेंड, मैं इसमें 1 चम्मच और डाल रही हूँ। फ्रेंड, मैंने इस कटोरी में 4 चम्मच चावल का आटा लिया था, जिसमें मैंने 1 चम्मच छोड़ दिया है और 3 चम्मच मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। फ्रेंड, अब मैं इस बैटर में समथिंग आधे से थोड़ा सा कम, ये इतना बैटर अलग कर ले रही हूँ, क्योंकि ये मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताऊंगी और ये मैं आपको सादा स्माइली बना के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, इसमें मैं ये प्याज ऐड करूंगी, जो मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया था और उसको बारीक पीस लिया है और एक सूती कपड़े में करके निचोड़ लिया है, जिसका पानी मैंने ये निकाल के रखा है। फ्रेंड, अब मैं इस पानी को फेंकूंगी नहीं, किसी भी सब्जी में मैं इसको यूज कर लूंगी। तो अब बारी आती है फ्रेंड इसमें ये प्याज को ऐड कर देने की। तो इस तरीके से प्याज को इसमें अच्छे से ऐड कर देना है। फ्रेंड, प्याज का पानी आपको बहुत ही अच्छे से निचोड़ लेना है, नहीं तो आपका ये बैटर गीला हो जाएगा और फिर ये सही से स्माइली नहीं बन पाएगी। तो फ्रेंड, अब बारी आती है इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाने की। इसके लिए मैं ये समथिंग 1 चम्मच ऑयल ले रही हूँ और मैं इसको इस तरीके से हैंड पे लगा ले रही हूँ, जिससे इसका चिकना डो बन जाए। देखिए फ्रेंड, कितना बढ़िया डो बन के तैयार हो गया है ये। और अब इसी तरीके से इसको भी थोड़ा सा चिकना कर लेना है। फ्रेंड, मैंने तिवाई ले ली है और इसके ऊपर मैंने ये पन्नी डाल दी है, जो नई पन्नी थी। फ्रेंड, आप इसकी जगह कोई प्लास्टिक सीट ले सकते हैं। और इस तरीके से मैंने ये लोइयां तोड़ ली हैं और इसकी इस तरीके से लोइयां बना लेनी है। फ्रेंड, ये मैंने एंड में थोड़ा सा ऑयल लिया है, जो इस बेलन पे चारों साइड अच्छे से लगा देना है, जिससे कि ये बेलन पे बिल्कुल भी चिपके ना। और अब इसको इस तरीके से मोटा बेल लेना है। अब फ्रेंड, मैंने ये एक ग्लास लिया है, आप चाहे तो इसको कटर से काट सकते हैं, पर मैं यहाँ ग्लास से काट रही हूँ, क्योंकि कटर हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है। फ्रेंड, मैं ये इस टाइप का एक पाइप ले रही हूँ, जिससे मैं इसकी आईज बनाऊंगी। इस तरीके से फ्रेंड इसकी आईज बना लेनी है। और फ्रेंड, अब इसकी स्माइली बनाने के लिए मैं ये चम्मच का यूज कर रही हूँ। और फ्रेंड, अब इन सारी स्माइली को उठा के इस तरीके से रखते जाना है।
इसी तरह फ्रेंड बाकी सारी स्माइली भी बना के तैयार कर लेनी है। तो फ्रेंड इस तरीके से मैंने सारी स्माइली बना के रेडी कर ली है। फ्रेंड मैंने ये कढ़ाई ली है और इसमें मैंने तेल डाल दिया है और ये तेल गर्म हो गया है। फ्रेंड इसको बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, इतना ही गर्म करना है कि जब हम लोग इसमें स्माइली को डाले तो वो नीचे चली जाए। एक बार चेक कर लेती हूँ, ये मैंने थोड़ा सा ये डो लिया है और अब मैं इसमें डालती हूँ। देखिए फ्रेंड अभी ये नीचे चला गया है, ये जल्दी से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये ऑयल ज्यादा गर्म है। तो अभी कुछ देर गैस को बिल्कुल कम करके थोड़ा इंतजार करेंगे जिससे कढ़ाई थोड़ी सी ठंडी हो जाए। देखिए फ्रेंड इसको तेज आंच में इसीलिए नहीं डालते हैं कि देखो जैसे ही मैंने इसको तेज आंच में डाला था तो ये फूल के किस तरीके से बॉल बन गया है। और फ्रेंड स्माइली को बिल्कुल भी फूली हुई स्माइली अच्छी नहीं लगती है, ये फूलनी नहीं चाहिए। तो इसके लिए फ्रेंड अब आप देख सकते हैं ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो इसे एक बार फिर से चेक करेंगे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड अभी ये जल्दी से ऊपर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लेके ऊपर आया है। अब फ्रेंड इसमें मैं सारी स्माइली डाल दूंगी। तो फ्रेंड अब इसको एक एक करके पलटते जाना है। तो फ्रेंड अभी स्माइली सीख चुकी हैं, तो इनको निकालने की बारी आती है। देखिए फ्रेंड सारी स्माइली कितनी प्यारी लग रही हैं और ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। फ्रेंड आप आवाज सुन सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी हैं। इसी तरीके से इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देना है और अब इसको इस तरीके से टिश्यू पेपर में निकाल के रख लेना है। देखिए फ्रेंड कितनी सुंदर लग रही है हमारी स्माइली। फ्रेंड मैंने ये स्माइली 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दी थी और फ्रेंड अभी ये मार्केट की जैसे बन गई है बिल्कुल। और इनको आप एयर टाइट कंटेनर में करके 20 से 25 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होती हैं और आप जब भी चाहें इन्हें तुरंत फ्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से मैंने सारी स्माइली बना के रेडी कर ली हैं और इसको मैं मोमोज वाली चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और फ्रेंड ये बहुत ही करारी और बहुत ही टेस्टी होती हैं, इसको आप अपने बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं या स्नैक्स की तरह सुबह या शाम किसी भी टाइम इसको खा सकते हैं। फ्रेंड अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड मैं इसी तरीके से आपके लिए और भी रेसिपियाँ लाती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड।